ejemplo. कान में लगाइए, आवाज बढ़िया आ रही है। खुश है दिल सुन सकते। आप देखते रहो। का चौथा दिन था और आज चौथे दिन हमने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और इस एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले कल जो हमने थियोरिटिकल चीजें पढ़ी थी और आज उसका हमने प्रैक्टिकल अप्रोच करा वो था सनडायल घड़ी। सूर्य जो हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट से हमने घड़ी बनाना सीखा और आज हमने शायद आज हमारे पास टोटल छह टीमें थी। छह टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम में आठ आठ सात सात लोग थे। तो मैं आपको बता रहा हूं जो पहली घड़ी बनाई थी वो रेणु मैम और आंचल मैम की टीम थी और दूसरी घड़ी की टीम में रीना सुधी मैम कुसुम और उनकी टीम थी। तीसरी टीम की निमिषा और राशि मैम की टीम। शायद इस टीम को सबने उत्साह भी बढ़ाया जहां मुझे पता है इनका टाइमिंग सबसे परफेक्ट आया था। और चौथी टीम थी श्वेता मैम मीनाक्षी मैम पूनम मैम और उनके साथी थे। और पांचवी टीम जो हम लड़कों की टीम थी प्रदीप दीक्षित और भूपेंद्र सर और बाकी सारे जितने लड़के थे वो। और छठी टीम थी सुमन लता मैम नेहा यादव मैम नीलम मैम और उनकी टीम। तो टोटल छह टीमों ने हिस्सा लिया क्योंकि जगह की कमी थी इसलिए थोड़ा मुश्किल था लेकिन सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दीपक सर ने हमें आज जबरदस्त विशेष बजाना सिखाया और वो शायद हम घर जाके या अपने स्कूल में जाके बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक पाइप से विशेष को यूज करके और उसके प्रेशर को और उसके नोट्स को शायद हम पता कर सकते हैं। दोनों तरफ कट मार के एक इधर और एक इधर देखिए। हाँ ये देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ देखिए इधर काटा लग गया। आप ऐसे ही काट लो मैं इधर से पकड़ूंगा इतने ही साइज का। हाँ हाँ इसके लंबाई अगर ज्यादा है तो इसकी आवाज कैसी है भी आपने देखा नोट करिए ठीक है। और जैसे जैसे इसकी लंबाई को छोटा करते जाएंगे तो जैसे वो मिलाती है ना सारे का वहां पता नहीं सा उस तरीके से इसकी ट्यूनिंग पतली होती चली जाएगी। जितनी इसकी लंबाई ज्यादा होगी उतना साउंड मोटी आएगी। शायद फिजिक्स की यूज है। और इसके बाद हम लोगों ने जेम्स वॉट का एक्सपेरिमेंट करा।
अच्छा घूम रहा है मैम। उसके बाद एक सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट हमने करा, हम लोग पढ़ते आ गए हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है वो तो नॉर्थ से साउथ होता है और वो लाइन बनती है, वो एक दूसरे को कट नहीं करती। हमें नहीं पता था, मतलब हमने पढ़ाया है, आज हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा पूरा कि किस तरीके से दो पोल को हम पैरेलल रखें तो उनका लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा। दो के अगर नॉर्थ पोल की तरफ रखे तो लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्थ को साउथ से रखे तो लाइन ऑफ एक्शन, यानी दो मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो वो सारे हमने पैरेलल रखने पे क्या होगा वो सारा हमने आज सीखा चौथे दिन के प्रोग्राम में। हमारी जो बार मैग्नेट है वो 2D में तो नहीं एक्ट करता है, वो कहाँ करता है 3D में। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन था बाकी क्यों नहीं हुई, बाकी भी हो सकती थी अगर हम हवा में लटकाते तो ग्रेविटी की वजह से। तो जहाँ ग्रेविटी को ओवरकम कर लिया मैग्नेटिक फील्ड ने वहाँ क्या हुआ, आपको ऊपर वाली भी दिखाई देगी, इसलिए जो पोल्स के अराउंड जो आयरन फील्ड है वहाँ खड़ी भी दिखाई देगी। और आप देखना हर डायरेक्शन में पूरा 3D आएगा आपको वहाँ से, बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आपको एक एक चीज उसमें दिखाई दे जाएगी। तो वहीं से आप बच्चों को समझा सकते हो कि सिर्फ पेपर पे नहीं हो सकता है, ये कहाँ हो सकता है, ये 3D मॉडल है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें पाइप के द्वारा सर ने तरंगे सिखाई, वेव्स बनाना सिखाया कि इस तरीके से हम स्लाइड टच करेंगे तो वो एक वेव्स क्रिएट होता है, पूरा वेव बनता है। और उसी से DNA स्ट्रक्चर भी बोला कि उसी को हम स्कूल में DNA स्ट्रक्चर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके बाद स्टेथोस्कोप बनाया जो कि बहुत महंगा आता है, मार्केट में अगर आप खरीदने जाए तो बहुत महंगा आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मोटा मोटी मुझे लग रहा है 20-50 रुपए में बन जाएंगे, 50 रुपीज, 5 रुपए, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 रुपए में स्टेथोस्कोप बनेगा और वो हम बना सकते हैं। मेरे दिल की बात करके देख लो, कान में लगाइए, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, खुश है दिल। तो आप अपने भी और अपने साथियों की भी दिल की आवाज सुन सकते हो। हाँ। आप देखते रहो। और इसके बाद बलून वाला सर ने सिखाया बलून के प्रेशर के बारे में, अगर हमने उसमें थोड़ा सा भी एयर जाने की संभावना छोड़ दी तो उसको हम बलून को खुला सकते हैं, और अगर हमने उस होल को बंद कर दिया क्योंकि प्रेशर निकल नहीं रहा है तो बलून खुला ही रहता है, तो ये तरीके से मैजिक हो जाएगा बच्चों के सामने अगर हम वो दिखाए तो। और सबसे लास्ट जिसके लिए शायद हम पहले दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर रॉकेट कब सिखाएंगे, रॉकेट कब सिखाएंगे, लास्ट में सर की जो टीम थी जो यंग बच्चे थे उन्होंने हमें रॉकेट सिखाया और अभी हम रॉकेट लॉन्च भी देख के आ रहे हैं। तो इस तरीके से आज के चौथे दिन का समापन हो रहा है, धन्यवाद।